अच्छा जी, ऐसा है कि आपका जो इंडो पाक हिस्ट्री का एरिया है ना, इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज आपके पुराने अगर एग्जाम्स को देखें तो एक आपका एरिया होता है कि वो आपसे इवेंट्स पूछ लेता है, ठीक है। उसके अलावा वो आपसे वाइस रायस पूछ लेता है। उसके अलावा मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशंस आपकी फाउंड हुई हैं उनसे रिलेटेड माइन्यूट डिटेल्स में पूछ जाता है। इसके अलावा जो फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड बुक्स लिखी गई हैं या उस एरा में बुक्स लिखी गई हैं या उन फेमस पर्सनैलिटीज़ ने जो कि फ्रीडम मूवमेंट के एरा में थी उन्होंने कोई बुक लिखी है या पाकिस्तान की वैसे किसी फेमस सेलिब्रिटी ने कोई बुक लिखी है तो वो पूछ लेता है। वैसे फेमस सेलिब्रिटीज वाली जो बुक है वो 1947 ऑनवर्ड्स हम कवर कर रहे होंगे। अभी आज जो मैं जहाँ से मैं लेक्चर को स्टार्ट करूँगा वो यही है कि हमने उनको देखना है कि जो लोग फेमस आपका अपना पर्सनैलिटीज थी या जो लोग थे जिन्होंने अपनी जो बुक्स थी वो लिखी हैं फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड। फ्रीडम मूवमेंट की जो इंपॉर्टेंट बुक हैं वो सारी की सारी हम इसमें कवर कर रहे होंगे। सो चलें जी, स्टार्ट करते हैं इंडो पाक हिस्ट्री लेक्चर नंबर 6 से, बिकॉज 4th एंड 5th आपका रिकॉर्डेड वर्जन होगा 1628 से 1857 वाला। सो जो आज का पहला पार्ट है लेक्चर का, जो पहला पार्ट है उसके अंदर मैंने आज के टोटल लेक्चर के अंदर आपके वो एक फेमस बुक्स मिलेंगी और 10 वाइस रॉयज के जो एराज हैं पहले 42 ईयर्स आफ्टर जो आपकी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के फेलियर के बाद, तो उन सबको हमने इन डेप्थ कवर कर रहे होंगे। उनमें क्या क्या इवेंट्स हुए, कौन से ऑर्गेनाइजेशन फाउंड हुई, सर सैयद का क्या रोल था, कायद की बर्थ इवेंट्स, इसके अलावा आर्य समाज की फाउंडेशन और ये सारी चीज़ें। तो सब चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने वो बुक्स कवर की हैं कि वो या तो फेमस लीडर्स ने लिखी हैं या फिर एक बुक्स ऑन द फ्रीडम मूवमेंट है वो हो गई, या फिर बुक्स जो फ्रीडम लीडर्स ने लिखी हैं कि जिन्होंने अहम किरदार अदा किया था आपकी बरसगीर की आज़ादी के अंदर, ठीक है। तो काफ़ी बुक्स तो वैसे ही पता होती हैं अगर FPSC का सिलेबस वगैरह मतलब लाइक CSS का या सब हवाले से हो तो आपको काफ़ी बुक्स तो फ्रीडम मूवमेंट की होती है, लेकिन वहाँ पर बड़ा क्योंकि एक लिमिटेड एरिया आता है तो 4 से 5 से ज़्यादा रेफरेंस बुक्स वहाँ पर मेंशन नहीं है। तो आपका इसीलिए यहाँ पर आपको थोड़ा इन डेप्थ चीज़ें मिल रही होती हैं क्योंकि MCQ में पूछ रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर वो सेंट्रिक होता है कि उसका MCQ निकाले, और MCQs आपके सबसे ज़्यादा जिस एरिया जो रिच एरिया जहाँ से वो MCQs ड्रॉप कर सकता है वो आपका 1857 से लेके 1947 का ही एरिया है। तो फेमस बुक्स में सबसे पहले आपकी बुक्स जो है वो जिना ऑफ पाकिस्तान है, स्टैनले वॉलपर्ट की बुक। इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि स्टैनले वॉलपर्ट ने इसके अलावा जुल्फी ऑफ पाकिस्तान भी लिखी है, वो जुल्फकार अली भुट्टो की बायोग्राफी पर है। जिना ऑफ पाकिस्तान जो है वो कायज़म की बायोग्राफी है, कायज़म के प्रॉपर एक एरिया बताया, कायज़म के पूरे फेजेस लाइफ का, अर्ली फेज, कायज़म के जो एंसेस्टर्स थे उनका ताल्लुक कहाँ से था, अर्ली लाइफ क्या थी, फिर कायज़म की लंदन की लाइफ, और उसके बाद उन्होंने जो मतलब कायज़म वापस आके बम्बई में उनका कयाम, उसके बाद मुस्लिम एक्टिव पॉलिटिक्स में आना कांग्रेस के साथ, उससे पहले जो उन्होंने दादा भाई नारू जी के लिए इंग्लैंड में कंपेन की थी, वो सारी डिटेल्स बिल्कुल अब अहाता करता है कायज़म की पूरी ज़िंदगी का, फ्रॉम हिज बर्थ टू हिज डेथ, और जितना उन्होंने रोल प्ले किया, मतलब अगर देखा जाए तो एक न्यूट्रल हिस्ट्री आपको बताता है फ्रीडम मूवमेंट की। तो ये स्टैनले वॉलपर्ट की बुक है और ये पब्लिश हुई थी जी 1984 में, और ये पहली बुक है फ्रीडम मूवमेंट के हवाले से जो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है, जिना ऑफ पाकिस्तान, और वन ऑफ दोज बुक जो पढ़नी चाहिए किसी भी कैंडिडेट को, वैसे ही अपनी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए भी और उसके हवाले से। इसके अलावा न्यू हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी स्टैनले वॉलपर्ट ने लिखी हुई है, और द जुल्फी ऑफ पाकिस्तान, ये दोनों बुक्स भी स्टैनले वॉलपर्ट ने लिखी हुई है। फिर जी स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान जो है ये IH कुरैशी की बुक है, इश्तियाक हुसैन कुरैशी, IH उनका जो है वो एक्रोनिम है, स्मॉल किया एब्रिवेशन है, इश्तियाक हुसैन कुरैशी उनका कंप्लीट नाम है, स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान जी इनकी बुक है, और ये इश्तियाक हुसैन कुरैशी ने लिखी थी, जिसके अंदर इन्होंने गांधी के उस आर्गूमेंट को उनका रिबटल किया है जो मेन थीसिस इसके अगेंस्ट इनका रिवॉल्व करता है, कि गांधी जी कहते थे कि द डिफरेंस बिटवीन द मुस्लिम्स एंड इंडिया, मुस्लिम्स ऑफ इंडिया एंड द नेटिव पीपल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, बेसिकली वो ये कहते थे कि हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है, ये सारे धर्म और ये सारी जो जात पात और ये जो रिलीजन है ये कुछ नहीं होता, एक्चुअल चीज़ है हिंदुस्तानी। तो हिंदुस्तानी नेशनलिटी के लिए फिर बाद में जब कांग्रेस का रूल आता है तो उसको भी जब मैं आपको करवाऊंगा तो मैं वहां पर भी थोड़ी सेलिब्रेट करवा रहा हूँ कि वहां पर भी गांधी जी फिर यही बात कर रहे होते हैं कि हम हिंदुस्तानी कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, फिर वो जो विद्या मंदिर स्कीम लाई गई, वारदा स्कीम लाई गई, एजुकेशन स्कीम लाई गई, तो वो उसके ऊपर हेड पे तो कायज़म जिनको शो बॉय ऑफ कांग्रेस कहते थे मौलाना जाकिर हुसैन, और उसके अलावा
मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, लेकिन इन एक्चुअल मतलब प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर जो है सिर्फ हिंदू के ही क्यों, अगर आप हिंदू रिलीजन का ही क्यों इन्फ्लुएंस हो रहा था। खैर जब हम उसको वहां पर करेंगे तो उसको डिटेल आएगी वहां पर। तो बेसिकली स्किनडी जो डिफरेंस है कि तो ओनली स्किन अगर आप मुस्लिम की खुरचें तो नीचे से इंडियन निकलेगा, तो इसका रिबटल जो है यज कुरैशी ने इस बुक में बड़ा अच्छे थीसिस के साथ किया। उसके बाद ही तहरीक पाकिस्तान बाय शेख मोहम्मद रफीक, ये बहुत अच्छी बुक है। और इसके अलावा इनकी एक और बुक भी है तारीख पाकिस्तान, तहरीक पाकिस्तान है, ये 1857 से 1947 तक के एरिया को कवर करती है, और जो तारीख पाकिस्तान है वो आपका 1947 से लेकर 2008 तक के एरिया को कवर करती है। मेकिंग ऑफ पाकिस्तान बाय कमाल खुर्शीद अजीज, के अजीज, कमाल खुर्शीद अजीज इनका नाम है, और नेशनलिज्म के हवाले से कि वो किस तरह से फैक्टर्स डिफाइन करते हैं कि जो आपका पॉलिटिकल फैक्टर थे, रिलीजियस फैक्टर्स थे और कल्चरल फैक्टर्स थे, ये सारे फैक्टर्स किस तरह से इन फैक्टर्स ने रोल प्ले किया कि दो नेशनलिटीज, दो जो आपकी इवेंट्स हैं वो आपके टेक प्लेस हुए, दो नेशनलिटीज थी और फिर बाद में उन्होंने इवेंचुअली कल्मिनेट हुए दो कंट्रीज में। तो इनकी एक और बुक भी है जो पाकिस्तान में सेंसर्ड है ऑब्वियसली, द मर्डर ऑफ हिस्ट्री, वो भी के अजीज ने लिखी है। तो ये भी आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि द मर्डर ऑफ हिस्ट्री का राइटर कौन है या मेकिंग ऑफ पाकिस्तान का राइटर कौन है, जो कमाल खुर्शीद अजीज। उसके बाद ट्रैक टू पाकिस्तान अहमद सईद की बुक है, ये बहुत फेमस है, इसका उर्दू में भी तर्जुमा है, तहरीक हसूल पाकिस्तान, या हसूल पाकिस्तान के नाम से बुक है, दोनों नाम से पब्लिश्ड है, अहमद सईद ने लिखी है। इंडिया मीन्स फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद बहुत एक स्टॉलवर्ड की हैसियत थे, कांग्रेस के सदर भी रहे और इनका बड़ा कलीदी किरदार था इन द जो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और इसके हवाले से इनकी बुक भी इन्होंने इस हवाले से लिखी है, इंडिया विंस फ्रीडम, जो ऑब्वियसली इंडिया की आज़ादी के बाद की ये बुक है, और काजम इनको शो बॉय ऑफ कांग्रेस कहते थे। तो ये भी एमसीक्यू एसोसिएटेड अक्सर पूछ लेता है कि हु वाज द शो बॉय ऑफ कांग्रेस बाय जिना, सो जिना साहब जो है वो शो बॉय ऑफ कांग्रेस कहते थे मौलाना अबुल कलाम आजाद को। तो यहाँ तक कोई चीज इशू वगैरह तो नहीं है, क्योंकि बुक्स के नहीं नहीं है ड्राई है, लेकिन जहां जहां एलोबरेशन हो सकती है मैं कोशिश करूंगी, मैं थोड़ा थोड़ा आपको एलोबरेट करता रहूँ। कोई इशू तो नहीं है यहाँ तक, आप मुझे एक दफा ओके का सिग्नल दे दो। सब क्लियर है यहाँ तक, मुझे ओके का सिग्नल दे दो, एक चैट में ओके लिख दो। नहीं पब्लिश ईयर नहीं पूछते, पब्लिश्ड ईयर नहीं पूछते, पब्लिश्ड ईयर वैसे अगर आप सीएसएस की कहीं तैयारी कर रहे हो तो आप एक एक्स्ट्रा थोड़ा सा गूगल आप ये करके चीज कर सकते हो, जो फेमस थे उनके मैंने पब्लिश्ड ईयर लिख ली है, कि आपने कोई आर्गूमेंट अगर बिल्डअप करके वहां रेफर करना है ना, तो वो साइटेशन का जो तरीका होता है ना, अगर आपने कोई आर्गूमेंट फॉर एग्जाम्पल एसे में या कंटेम्प्रेरी किसी के अंदर आर्गूमेंट लिखना है, तो अगर वहां पर आप पब्लिशिंग ईयर लिख दो तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। उसके अलावा पब्लिशिंग ईयर की कोई खास जरूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कोई आप रिसर्च पेपर कर रहे हो तो उसके अलावा वैसे जरूरत नहीं। वैसे जो फेमस थी तो उनका मैंने वैसे पब्लिशिंग ईयर लिख दिया था कि आप लोगों को जरा उसमें आसानी हो। फिर उसके अलावा जी इंडियन पॉलिटिशियन थे और ये उनके मिनिस्टर भी रहे हैं, जिना इंडिया पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस बाय जसवंत सिंह। जसवंत सिंह जो है बड़े फेमस इंडियन पॉलिटिशियन थे और ये इंडियन जो है वो भी रहे हैं, आपके सीनियर मिनिस्टर रहे हैं। सो इन्होंने बुक लिखी थी और ये इनकी जो बुक थी बेसिकली ये अंडर द एरा ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी ऑफिस होल्ड करते थे, तो उन्होंने उसके बाद ये 2009 में व्हेन ही वाज इन ऑपोजिशन तो उस वक्त ये लिखा, क्योंकि मनमोहन की फिर 10 ईयर्स का क्योंकि रूल चला है 2004 से 2014 तक इंडिया में, तो उस दौरान इनकी ये बुक आती है ये 2009 में जसवंत सिंह की। और अगर 2009 से एसोसिएटेड फैक्ट आप कुछ देखना चाहते हो तो 2009 में हमारा स्वात ऑपरेशन शुरू हुआ था पाकिस्तान में, और उसके अलावा 2009 के अंदर आपका जो है वो जो रिस्टोरेशन ऑफ जजेस थी, जो जजेस इमरजेंसी ऑफ 2007 के बाद बरतरफ कर दिए गए थे, तो 6 जजेस रिस्टोर नहीं हुए थे, तो वो लॉयर मूवमेंट का भी जो एंड है वो भी 2009 में हुआ था। और उसके अलावा जैसे एक साल पीछे चले जाएं तो 2008 में इलेक्शंस होते हैं और 2008 के अंदर ही 26 नवंबर 2008 को आपका जो है वो मुंबई अटैक्स होते हैं, ठीक है। तो ये दो तीन चीजें हैं जो आपका हिस्ट्री के हवाले से साथ साथ एसोसिएटेड फैक्ट्स मैंने बता दिए ताकि आपको इजीली आप इसको याद कर सको। और 2009 में पाकिस्तान, इंडिया में प्राइम मिनिस्टर कौन था, इंडिया में जी मनमोहन सिंह थे और पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे यूसुफ रजा गिलानी थे, और जो कि पाकिस्तान के 18th प्राइम मिनिस्टर थे, और पाकिस्तान के जो सदर थे उस टाइम पे वो 11th प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी।
तो जब भी आप इस तरह करके किसी जगह पब्लिशिंग ईयर, मेरा कहने का मकसद ये था जो एसोसिएटेड में चीजें बताई, आल तो ये इसका पार्ट नहीं था स्पेसिफिकली इन बुक्स नेम का, लेकिन जब भी आपको मैं थोड़ा सा बताना ये चाह रहा था कि जब भी आप इस तरह करके कुछ, जी, श्रीलंकन टीम पर जो अटैक हुआ था वो भी 2009 में हुआ था, श्रीलंकन टीम पर लाहौर में अटैक हुआ था, और उससे पिछले वाले मैच में जो है वो मोहम्मद यूनस खान ने जो है हाईएस्ट स्कोर भी बनाया था उस वक्त तक अपना। आपने जब भी ये जो है आपने करना है याद ना, तो उसका मतलब ये कि जब भी एक साल आपके सामने आया ना, तो आपने अपने माइंड को जितना ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो, एमसीक्यूज मेमोराइज करने का यही तरीका है, तो आप उतना अपने को ब्रेनस्टॉर्म करो, अच्छा यार इसमें ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, तो इस तरह से आपके एक तो जो दूसरे फैक्शन फिगर्स होते हैं उनकी रिविजन हो जाती है, और फिर आप जो है थोड़ा सा आगे चलते रहते हो। अच्छा जी, इसके बाद आपका आता है जी पाथवे टू पाकिस्तान, चौधरी खलीको जमा, बहुत फेमस। अच्छा जी, चौधरी खलीको जमा का मैं किरदार आपको बताता चलूँ। चौधरी खलीको जमा जो है ना, यूपी के हमारे जो मुस्लिम लीग के लीडर थे, सेंट्रल लीडर थे, और यूपी में बेसिकली मुस्लिम लीग को जब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज कायम हो गई ना 1937 में, तो मुस्लिम लीग को ये उम्मीद थी कि जो आपके कांग्रेस की मिनिस्ट्री जो बनी है एटलीस्ट यूपी की हद तक, तो वो हमें कोलिशन गवर्नमेंट का पार्ट जरूर बना लेंगे। लेकिन होता ये है कि आपका जो कांग्रेस है वो बड़ी एक बेढंगी सी शर्तें रखती है कि जी मुस्लिम लीग अपना वजूद खत्म कर ले, कोलिशन में मिनिस्ट्रीज भी उसको एक मिलेगी, और वो अगर वो भी तब मिलेंगी कि अगर वो पार्ट हो जाए कांग्रेस के साथ, जम कर दे अपने आप को, ठीक है, अपनी इंडिपेंडेंट हैसियत खो दे। और अगर हम उस टाइम के इलेक्शंस का रिजल्ट देखें तो मोर देन 50% सीट्स जो मुस्लिम ने जीती थी, मुस्लिम लीग ने मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव सीट्स वो यूपी से जीती थी। तो अगर उस टाइम पर ये बंदा बो डाउन कर देता चौधरी खलीकुज्जमान, तो फिर शायद आपका जो मुस्लिम लीग है वो शायद डिसमेंटल हो जाती, और आपका जो ऑल टुगेदर उसके बाद जो फ्रीडम मूवमेंट होती है वो शायद आपकी ना उस तरीके से चल पाती। तो इस हवाले से भी इनका बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल है हिस्ट्री में। तो इनकी ये जो बुक है 1961 में पब्लिश हुई थी। अच्छा जी, 1960 में एक वाकया हुआ था पाकिस्तान में, वो आपका जो U2 इंसिडेंट था वो 1960 में हुआ था। इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान फिर एक बुक है, वो चौधरी मोहम्मद अली ने लिखी थी 1967 में। चौधरी मोहम्मद अली पाकिस्तान के चौथे प्राइम मिनिस्टर थे, और इनके दौर में पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन मिला था, और ही वॉज ऑल्सो ए ब्यूरोक्रेट, और इनकी ये बुक थी 1967 में लिखी थी चौधरी मोहम्मद अली ने, द इमर्जेंस ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद अच्छा जी, सैयद अमीर अली एक बहुत बड़े कदावर मुस्लिम पॉलिटिशियंस का अगर जिक्र किया जाए तो उनमें सैयद अमीर अली आते हैं, कि जिनकी ब्रिटिश लॉबिंग इतनी स्ट्रांग थी, अगर ये कहा जाए कि सर आगा खान और सर सैयद अमीर अली की जो लॉबिंग थी, उसके बाद फिर जिनाह साहब तो उस टाइम पर सेपरेट इलेक्टोरेट की फेवर में नहीं थे ना, जिस टाइम पर सेपरेट इलेक्टोरेट हमें अवॉर्ड किया गया था, उस टाइम पे किसी बंदे की लॉबिंग, और उसने ब्रिटिश बरतानिया में एक्स्ट्रा अपनी वो बनाकर मुस्लिम लीग की शाख बनाकर वहां जो लॉबिंग करके पाकिस्तान मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिलवाया, तो वो बंदा सैयद अमीर अली था। 1908 में उन्होंने लंदन ब्रांच कायम की थी। तो ये सैयद अमीर अली की जो दो बुक्स हैं, द स्पिरिट ऑफ इस्लाम और उसके अलावा अ हिस्ट्री ऑफ सैरेसिन्स, ये दो बुक्स इनकी बड़ी फेमस हैं, और ये प्रिवी काउंसिल के मेंबर थे। प्रिवी काउंसिल क्या थी कि पहले ना 1935 के एक्ट में एक सुप्रीम कोर्ट टाइप कोर्ट बनी थी, वरना यहाँ हाई कोर्ट्स होती थी, ऊपर कोई कोर्ट नहीं होती थी, तो उस पर कोई ऊपर कोर्ट किसी पर डायरेक्ट, लंदन में प्रिवी काउंसिल थी जिस पर आप अपेलेट कोर्ट होती थी, हाई कोर्ट का डिसीजन, तो इंडिया में किसी ने चैलेंज करना होता था तो वहां जाता था, और सैयद अमीर अली वाज द पार्ट ऑफ प्रिवी काउंसिल। सो इससे पता चलता है कि सैयद अमीर अली का क्या कद काठ था ब्रिटिश सर्कल्स में, और इसका फिर मुस्लिम्स को फायदा हुआ, और जैसे हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि जो लॉयलिटी फैक्टर था ट्रिनिटी आइडियाज में, ट्रिनिटी ऑफ आइडियाज के अंदर सर सैयद के, तो उसमें से जो लॉयल्टी फैक्टर्स के अंदर जो दो तीन पर्सनैलिटीज जिन्होंने बहुत ज्यादा आपका इन्फ्लुएंस किया था ब्रिटिश सर्कल्स को कि मुस्लिम के बारे में सोच तब्दील हो, तो उनमें एक सैयद अमीर अली आते हैं, एक सर आगा खान है, सर सैयद खुद तो ऑब्वियस हो तो हम सबको पता ही होता। तो जी, इसके बाद जिना द क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान बाय हेक्टर बोली, तो अभी ये रिसेंटली पेपर हुए थे जो सीएसएस के, तो उनमें ये एमसीक्यू आ गया था जब जिना द क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान, तो उसने बेसिकली कंफ्यूज किया था कि जिना ऑफ पाकिस्तान और जिना द क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान से। जिना ऑफ पाकिस्तान जो है स्टैनले वॉलपार्ट की बुक है, और जिना द क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान जो है ये हेक्टर बोलिथो की बुक है। तो इन दोनों में थोड़ा सा मामूली सा डिफरेंस है, तो इस वजह से आपको काफी एहतियात से इन दोनों को याद करना होगा। फिर आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है भाई शरीफ उल मुजाहिद, ये काफी वॉल्यूम्स में लिखी गई है। इसमें आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान का जो हमारा एक स्टेट नैरेटिव है कि पाकिस्तान किस नजरिए के तहत बना था, उसकी पूरी अगर अक्कासी और उसको पूरे तरीके से समझना कुछ आता है तो वो इस बुक को लाजमी पढ़े, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान बाई शरीफ उल मुजाहिद।
फिर ये जो द सोल स्पोक्समैन जिना द मुस्लिम लीग एंड द डिमांड फॉर पाकिस्तान भाई शाह जलाल, बेसिकली काजिज्म की पर्सनैलिटी के रिवॉल्व करती है कि जिना एक्टेड एज अ सोल स्पोक्समैन फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया बिकॉज देयर वाज नो अनदर लीडर कि जो उस काबिल हो। फिर दूसरी बात यह कि जिना ने रिकनसाइल किया माइनॉरिटी प्रोविंसेस की जो मुस्लिम लीडरशिप थी उनके जो मुतालिबात थे उनको, और जो मेजोरिटी मुस्लिम प्रोविंसेस की लीडरशिप थी सर सिकंदर हयात और मलिक फिरोज खान, इनके जो नजरियात थे इन और ए के फजल हक, इनके जो नजरियात थे हुसैन जीत सोहरावर्दी, इन सब के नजरियात को रिकनसाइल कर एक ऐसा प्लेटफॉर्म के तौर पर सामने आए, एक ऐसे लीडर के तौर पर सामने आए और उसने फिर बाद में एक यूनिफाइड लीडर बने और उसकी वजह से फिर पाकिस्तान बाद में हासिल होता है। तो इस बुक को इस तरह से ये रिवॉल्व करती है और ये बड़ी एक अच्छी है इंटरनेशनल इंटरप्रिटेशन के साथ लिखी हुई बुक, आयशा जलाल की बुक है द सोल स्पोक्समैन जिना द मुस्लिम लीग एंड द डिमांड फॉर पाकिस्तान। उसके बाद ये पार्टीशन ऑफ इंडिया बाय बी आर अम्बेडकर। अच्छा मैं पूछना चाहूँ कि अम्बेडकर कौन थे, तो कोई मुझे ये बता सके, एमसीक्यू एसोसिएटेड है वैसे, मैंने आगे चल के आपको वैसे ही बताना है जो कल वाला लेक्चर होगा उसके अंदर, लेकिन आप लोगों में से कोई ये बता सके कि बी आर अम्बेडकर कौन थे और इनका इंडियन पॉलिटिक्स में और फ्रीडम मूवमेंट के अंदर और इंडियन पॉलिटिक्स में क्या किरदार है। यस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के राइटर थे ये और बेसिकली शेड्यूल्ड कास्ट से ताल्लुक था इनका, और इनका जो मतलब लाइक वो एक बहुत सिग्निफिकेंट काम है और इनके भी सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए कायजम ने कोशिश की थी बाय इन सेकंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और इनको मिल भी गया था लेकिन फिर वो गांधी और इनकी आपस में डायलॉग होता है और इनका पैक्ट होता है और उसकी वजह से फिर ये अपना जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो विड्रॉ कर लेता है। अच्छा जी, द इंडस सागा एंड मेकिंग ऑफ पाकिस्तान बाय इजाज़ हसन, बहुत जबरदस्त बुक है, 1997 में पब्लिश हुई और ये प्रॉपरली बताता है कि द इंडस वैली वाज द डिफरेंस बिटवीन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, ये दोनों अलग अलग सिविलाइजेशन थी और ये हिस्ट्री जो है सिर्फ इससे नहीं कि एडवेंट ऑफ इस्लाम, इससे पहले भी ये दोनों सेपरेट कम्युनिटीज थी और इनकी जो हिस्ट्री है वो 4-5 हज़ार साल पुरानी है। दोनों की जो गेंगेज वैली है और जो आपका इंडस वैली है, तो ये दोनों डिफरेंट है, तो इस वजह से जो है दो कंट्रीज जो हैं ये इस नैरेटिव पर इन्होंने दो कंट्रीज का जो पॉइंट है वो प्रूव किया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है तो मुझे एक दफा ओके का सिग्नल दे दो। अच्छा जी, इसके बाद आपका अच्छा जी ये द ग्रेट डिवाइड, अच्छा द ग्रेट डिवाइड दो बुक है, एक एच वी हडसन की बुक भी है, तो आगे कॉलन के बाद वाली डिटेल, तो ये थोड़ा जिस तरह जिनाह ऑफ पाकिस्तान वाला एमसीक्यू कंफ्यूजिंग हो सकता है ना, इस तरह द ग्रेट डिवाइड वाला हो सकता है। तो वैसे तो बहुत ज्यादा बुक्स हैं, अगर मैं एक एक राइटर की लिखूँ तो पहली बात तो मैंने वो बुक्स कवर की हैं कि जो जर्नल पार्टीशन की बात करती हैं और जो पाकिस्तान सेंट्रिक जरा ज्यादा है, वरना तो नेहरू जी की बुक्स आप देखें तो वही खत्म नहीं होती। सो द ग्रेट डिवाइड द वायलेंट लेगेसी ऑफ इंडियन पार्टीशन बाय विलियम डरिम्पल, तो ये आपका इसने लिखी थी, और इसकी एक और बुक भी है फेमस, कोई मुझे बता सकता है एमसीक्यूज में, चैट में मुझे कोई बता दे, इसकी एक और बुक भी है विलियम डलरिम्पल की, एक और फेमस बुक है। अच्छा नहीं यार, अच्छा इसकी जो एक और फेमस बुक है उसका नाम है वाइट मोगल्स भी है, और इसके अलावा इसकी बुक है द अनार्की, वो भी विलियम डलरिम्पल की है। वाइट मुगल्स में तो बेसिकली वो अपना रूल जस्टिफाई करता है ना कि हम लोग भी मुगल ब्लड से ताल्लुक रखते हैं जो वाइट जनरे है, तो उसको वो करता है। अच्छा जी, द इनग्लोरियस एम्पायर बाय शशि थरूर, ये तो आगे अगर किसी ने टेड टॉक ही सुनी हुई है तो उसको ही पता होगा शशि थरूर की बुक है कि किस तरह से यहाँ से प्लंडर करके लेके जाता रहा। और एक वैसे फैक्ट्स बताना चाहूंगा कि सर दादा भाई नारू जी ने कोट किया था जब वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर बने थे, तो फर्स्ट इंडियन थे जो बने थे, और उन्होंने ये बात की थी वहां पर कि जब अंग्रेज नहीं आए थे और अभी औरंगजेब आलमगीर का दौर खत्म हो रहा था 1703-1704 में, जो बरसगीर है वो अपना जो इन ग्लोबल जीडीपी का 28% कंट्रीब्यूट करता था, और अभी 20th सेंचुरी का स्टार्ट है और इसमें जो सिर्फ 3% ऑफ द जीडीपी जो है वो बरसगीर कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इट ये साबित करता है कितना एक्सेसिवली बरसगीर को प्लेंडर करके यहाँ से लेके जाया गया। और अगर आप देखेंगे आप जब नेचुरल फोर्सेस को वापस ओपन छोड़ते हैं ना, तो डिस्पाइट प्लेंडरिंग एंड ऑल दैट
जब आप इंडियन इकोनॉमी और पाकिस्तान की इकोनॉमी को अगर आप क्लब करके ऐड कर दें, पाकिस्तान की इकोनॉमी और बांग्लादेश की भी कर लें, तो आप कलेक्टिवली तो ये लाइक $1 ट्रिलियन ब्रिटिश से इस वक्त ऊपर जा चुके हैं, और उस ये साबित करता है कि इंडिजिनस पोटेंशियल तो यहीं पे मौजूद था, तो यहाँ से एक्सप्लाइटेशन करके जो चीज़ें वहाँ पर एक एम्पायर खड़ी की गई, और जो रिचेज है यहाँ से भी प्लंडरिंग की गई, और दूसरे अमेरिकन सब अमेरिकन कॉन्टिनेंट से जो चीज़ें लाकर इंग्लैंड के अंदर एक बनाया गया, तो वो इतना ज़्यादा जैसे जब किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा वो ना हो, बेस स्ट्रॉन्ग ना हो, तो आहिस्ता आहिस्ता वो डिक्लाइन होने शुरू होता है। तो वो टाइम लगेगा पर कैपिटा इनकम लाइफ स्टैंडर्ड और उसके हिसाब से, लेकिन नेट जीडीपी में अगर आप बात करें तो सब कॉन्टिनेंट अभी इस टाइम पे अपने मास्टर्स से आगे जा चुका है। सो उसके अलावा द ग्रेट डिवाइड, एक मैंने आपको बताया ऊपर अपनी टाइटल याद रखना है, दूसरी द ग्रेट डिवाइड है ब्रिटेन इंडिया एंड पाकिस्तान एच वी हडसन की, उधर है द वायलेंट लेगेसी ऑफ इंडियन पार्टीशन वो विलियम डेलरिम्पल की है, और ये है ग्रेट डिवाइड ब्रिटेन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो ये एच वी हडसन की, पाकिस्तान एंड द मुस्लिम लीग बस सैयद हुसैन इमाम, ये भी बहुत अच्छी बुक है। और इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ द आइडिया ऑफ पाकिस्तान बाय अब्दुल सलाम खुर्शीद, ये एक और फेमस बुक है रिगार्डिंग पार्टीशन। इसके अलावा द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान बाय रिचर्ड साइमंड्स, अच्छा द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान मैंने अगेन एमसीक्यू इसलिए कवर किया कि द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान बाय के अजीज भी, तो द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान में अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, और वहां पर द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान में उसने फॉर एग्जाम्पल आपका लिखा हुआ है रिचर्ड साइमंड्स भी लिखा हुआ है और साथ के अजीज नहीं लिखा हुआ, ठीक है, और उसने नन ऑफ दीज भी हो सकता है वहां पर वो ऑप्शन दे दे, तो आपने ये नहीं करना कि वहाँ नन ऑफ दीज कर देना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो फिर नन ऑफ दीज ही कर रहे होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हमने जो मेन स्ट्रीम में पढ़ा है वो हमारा के अजीज को ही पढ़ा है, कि के अजीज ने द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान लिखी हुई है, लेकिन द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान जो है वो बाय रिचर्ड साइमंड्स की तरफ से ये भी लिखी गई है, और ये एक अलग एमसीक्यू है, ये मिक्सिंग एमसीक्यू था, तो मैंने इस वजह से यहाँ पर आपको मेंशन करना मुनासिब समझा। अच्छा उसके बाद द पाकिस्तान मूवमेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स बाय जी डब्ल्यू चौधरी, जी डब्ल्यू चौधरी की एक और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान की बुक है, और एक ये बुक है द पाकिस्तान मूवमेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स बाय जी डब्ल्यू चौधरी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट से तो उन्होंने दो बुक्स लिखी हैं, एक ये आपके पाकिस्तान मूवमेंट के हवाले से और एक कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। और इसके अलावा जो लास्ट बुक है और जो मेरा ये फर्स्ट फेज ऑफ द लेक्चर का भी लास्ट एमसीक्यू बनता है वो है पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज 1857 टू 1947, खालिद बिन सईद की बुक है, पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज 1857 टू 1947, खालिद बिन सईद की बुक है। तो ये आपके एमसीक्यूज तो, और साथ साथ अगर मैंने एसोसिएटेड डिटेल्स आपने देख नोट की हो, तो तकरीबन आपका 35 to 40 एमसीक्यूज जो है आपका अभी तक जो मैंने आपको करवाया है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर वो आपका हो जाता है, और मैं यहाँ पर ये वाली मीटिंग एंड करूँगा, और अभी हम थोड़ी सी ब्रेक लेकर 5 अपनी नमाज वगैरह पढ़ लें, असर की नमाज का टाइम हो गया, तो हम फिर दोबारा ना नमाज की ब्रेक आप कर लें, तो उसके बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं, फिर वो दो सेशन हम कंटिन्यू ही चलाएंगे ताकि उसमें ब्रेक हमें ना करनी पड़े, मतलब तो जैसे खत्म हो तो बस 5 मिनट ये जो बार टिकर का टाइम होता है ये आएगा, और उसके बाद फिर आप दोबारा स्टार्ट कर लेंगे। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं आप लोगों का?